हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने ही चैनल नमिता आज आर्ट में। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपके पास भी पुराना ब्लाउज होगा, और लेकिन क्या है कि आजकल थोड़ा सा डिजाइनर ब्लाउज का फैशन है कि साड़ी तो सिंपल हो लेकिन ब्लाउज थोड़ा अट्रैक्टिव हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले का जो हमारा ब्लाउज है वो ब्लाउज सिंपल है, साड़ी अट्रैक्टिव होता था। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रही हूँ कि आप उस पुराने ब्लाउज को किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकती हैं खुद से घर पर। यही मेरा टॉपिक है आज का। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आप लोग इस तरह का लटकन बना सकती हैं। ये लटकन का वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जैसे इसमें जो धागा भी यूज़ किया हुआ डोरी, वो भी कलरफुल डोरी है, इसका भी वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह का लटकन बना के कोई भी आप सिंपल ब्लाउज पे लगा दीजिए तो वो नेचुरल है कि वो सुंदर दिखने लगेगा पीछे से। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए सिंपल ब्लाउज में भी अगर ये लटकन लग गया तो ये ब्लाउज सुंदर दिखने लगा। तो इस तरह के लटकन को आप सिंपल ब्लाउज में भी लगा दें तो बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। तो आप इससे भी कोई भी ब्लाउज को सुंदर बना सकती हैं। नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकती हैं कि इस तरह का फ्लावर बना लीजिए। इस तरह का फ्लावर का, इसका भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह का फ्लावर बना लीजिए। अब ये फ्लावर बना के आप किसी भी ब्लाउज में बैक में लगा दीजिए तो देखिए कितना सुंदर लगेगा। जैसे मान लीजिए ये ब्लाउज है, अब इसके बैक में अगर ये फ्लावर लग गया तो देखिए कितना सुंदर दिख रहा है इस तरह का। तो इस तरह का फ्लावर चाहे बो बना के भी आप यहाँ लगा सकती हैं कि ऐसे लटका रहता है तो बहुत सुंदर दिखता है। तो फ्लावर या बो बना के भी आप लगा सकती हैं तो सिंपल ब्लाउज भी आपका थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाएगा। थर्ड आप क्या कीजिए कि इस तरह का गोटा ले आइए मार्केट से, मोती वाला गोटा क्या होता है, ये तो छोटा मोती, इससे थोड़ा बड़ा मोती भी मिलता है वो भी ले आई, चाहे व्हाइट कलर का मोती का मिलता है, लेस मिलता है वो भी अच्छा लगता है। अब कोई भी सिंपल ब्लाउज पे वो लेस लगा दीजिए, गोटा लगा दीजिए तो नेचुरल है, वो सुंदर दिखेगा। जैसे मेरा ये, मेरे तो इसमें गोल्डन है इसलिए मैं आपको गोल्डन लगा के दिखा रही हूँ। तो देखो कितना अच्छा लगेगा, देखो इस तरह से लगा दो दोनों बाजू पे तो ये सुंदर दिखने लगा। तो इस तरह से भी आप कोई भी ब्लाउज को सुंदर बना सकते हैं। फोर्थ आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह का आजकल गोटा पट्टी वाला भी गोटा मिलने लगा इस तरह का, इसे भी आप किसी ब्लाउज पे लगा दीजिए। जो ब्लाउज बिल्कुल सिंपल हो रहा है उसमें आप इस तरह का लेस लगा दीजिए, सॉरी गोटा लगा दीजिए, उससे भी सुंदर हो जाएगा। जैसे देखिए इस तरह का गोटा अगर ऐसे बाजू पे लग जाए देखिए नेचुरल वो सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह का गोटा से भी आप किसी भी चीज को सुंदर बना सकती हैं। तो देखो आप लोग या तो इसे बना सकते हो, बनाना भी बहुत आसान है, या फिर फ्लावर बना दो, फ्लावर बनाना भी आसान है, चाहे मार्केट से गोटा लाके लगा दो, उससे भी क्या होगा कि थोड़ा सा पुराना ब्लाउज आपका सुंदर दिखने लगेगा, अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।